दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये पेन ड्राइव है और आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपके मोबाइल में कोई फोटो है या वीडियो है या कोई पीडीएफ फाइल है, अगर आप उसको जो है पेन ड्राइव में भेजना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इस काम को आप कैसे कर पाएंगे। दोस्तों पेन ड्राइव का यूज कंप्यूटर और लैपटॉप में भी किया जाता है, लेकिन इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि किसी भी फोटो को, वीडियो को या किसी भी तरह के फाइल को आप मोबाइल से पेन ड्राइव में कैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह के वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी डिले के जानते हैं कि इस काम को आप कैसे कर पाएंगे। दोस्तों इस काम को करने के लिए आपके पास जो है एक छोटा सा डिवाइस जिसको OTG बोलते हैं, अगर आपके मोबाइल सी टाइप का है तो आपको सी टाइप का OTG लेना पड़ेगा। कहने का मतलब जिस तरह का मोबाइल है उस तरह का आपको OTG आपको मार्केट से परचेस करना पड़ेगा। दोस्तों सामान्यतः इसका जो कास्ट होता है लगभग 30 रुपए के आसपास में आपको मिल जाएगा। इसका यूज करके हम किसी भी फोटो को या वीडियो को जो हमारे मोबाइल में उसको पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि इस काम को आप कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने OTG में जो आपका पेन ड्राइव है इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो आपको सिंपली यहाँ पे जैसे आप इसमें प्रेस कर देंगे तो आप देख पा रहे हैं ये OTG में आपका पेन ड्राइव यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देख पा रहे हैं ये जो मोबाइल है इसका जो माई फाइल्स है इसको मैं यहाँ पे ओपन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहले से यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे SD कार्ड, हमारे इस मोबाइल में SD कार्ड नहीं लगा है इसीलिए यहाँ पे लिखा है नॉट इंसर्टेड लिखा है। पेन ड्राइव का यहाँ पे मेमोरी स्टोरेज नहीं दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पे जो चार्जिंग पॉइंट है इसमें यहाँ पे कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे एक नया स्टोरेज आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए अभी जो है सामने जो है USB स्टोरेज यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे इसका स्टोरेज 14.63 GB दिखा रहा है। कहने का मतलब जो पेन ड्राइव है हमारे इस मोबाइल से अटैच हो चुका है। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पे किसी फोटो को कॉपी करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो माई फाइल्स है इसको मैं यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ। यहाँ पे जो वीडियो का ऑप्शन है इस पर हम टैप कर दे रहे हैं और यहाँ से कोई वीडियो ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक वीडियो है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, इसको आप जो है हल्का सा टैप किए रहिए तो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मूव और कॉपी। यहाँ पे दोस्तों आप इसको मूव भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। जब कॉपी करेंगे तो इसका एक डुप्लीकेट बनेगा, ये हमारे मोबाइल में भी रहेगा और पेन ड्राइव में भी चला जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर दे रहा हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ से बैक हो जाना है और जो हमने पेन ड्राइव यहाँ पे लगाया था उसका नाम यहाँ पे USB स्टोरेज 1 शो कर रहा है। तो सिंपली क्या करना है, इस पर आपको टैप करना है। तो इस समय हम अपने पेन ड्राइव के स्टोरेज में आ चुके हैं और सिंपली यहाँ पे कॉपी ईयर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन आ रहा है। जैसे यहाँ पे प्रेस करेंगे हमारे मोबाइल के अंदर था, अब इस समय पेन ड्राइव के अंदर आ चुका है। मैं एक बार यहाँ से बैक करके फिर से यहाँ पे ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। ये देख पा रहे USB स्टोरेज है जिसको मैंने पेन ड्राइव को लगाया था उसी को यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे इस पर हम टैप करेंगे तो ये आप देख पा रहे हैं जो ये सामने जो वीडियो है इसी को मैंने यहाँ पे कॉपी किया था। चलिए दोस्तों आप जान लेते हैं कि अगर आपको जो है मोबाइल से किसी फोटो को अगर आपको पेन ड्राइव में कॉपी करना है तो आप कैसे कर पाएंगे। इसके लिए आपको जो माई फाइल्स है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो इमेज है इस पर आप क्लिक करेंगे और जिस तरह का भी आप इमेज यहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इस फोटो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 3 फोटो है, मैं जैसे इस पर प्रेस कर रहा हूँ तो तीनों फोटो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं। आपको ऐसे फोटो को सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है तो जैसे मैं यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करूँगा तो ये कॉपी हो चुका है। फिर से आपको यहाँ से बैक हो जाना है और जो यहाँ पे पेन ड्राइव का जो स्टोरेज है उस पर आपको टैप करना है और यहाँ पे कॉपी ईयर, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं ये जो फोटो है हमारे पेन ड्राइव के अंदर कॉपी हो चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।